लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिस्पेक्ट है ना इस देश में, वो किसी और लैंग्वेज को हमने कभी नहीं दी। इंग्लिश में तुम बात करो तुम्हें एक वैलिडेशन मिलता है, एक रिस्पेक्ट मिलती है। इंग्लिश में कुछ भी बोलो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसे किसी पब में जाके लड़की को बोलो हे कैन आई बाय यू अ ड्रिंक, तो ये एक्सेप्टेबल है। पर यही बच्चा कि हिंदी बोलो ए दारू पिएगी बताना कुछ तो ले ले, ब्रीजर ब्रीजर तो ले ले यार, क्या हुआ किसको फोन कर रही है 10 बैंचो पुलिस पुलिस को कर रही है नहीं ये एक्सेप्ट। एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, अभी अमेरिका में इलेक्शन हुए थे, जो बाइडन अमेरिकन प्रेसिडेंट द मोस्ट पावरफुल मैन इन दिस एंटायर प्लैनेट वो उस टाइम पे इलेक्शन लड़ रहा था, कैंपेन कर रहा था, और उसकी कैंपेन में हेल्प करने आया हॉलीवुड का एक मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी। तो वो हर जगह इवेंट कर रहा है उसके साथ, एक इवेंट चल रहा था जिसमें जो बाइडन स्टेज पे था और वो सेलिब्रिटी स्टेज पे आया, उसने ऐसे हजारों की भीड़ के सामने ये बात बोली कि दिस गाय जो बाइडन आई एम चैलेंजिंग यू इज द नाइसेस्ट मदरफकर इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, द नाइसेस्ट मदरफकर, दिस गाय इज द नाइसेस्ट मदरफकर, वाओ वाओ। ऐसा कोई इंडिया में कर सकता है क्या? कर सकता है कोई सेलिब्रिटी? आ सकता है ऐसे स्टेज पे आके बोल सकता है ये जो नेता जी बैठे हैं आपके बीच में ये सबसे बेहतरीन मदरफकर है, ये वाले हाँ ये आप इनको वोट दीजिए ना गंडिया फाड़ देंगे आपके यहाँ। नहीं कर सकते यार, मतलब हमें ना बचपन से बताया जाता है कि अगर अंग्रेजी में बात नहीं करोगे ना तो बहुत पीछे रह जाओगे, सोसाइटी तुमसे आगे निकल जाएगी। तुम्हारे टैलेंट का तुम्हारे स्किल का कोई मतलब नहीं जब तक तुम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। और आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, मैं एक बहुत छोटे शहर में पैदा हुआ था, वहाँ पे हमें अंग्रेजी का माहौल नहीं मिलता यार। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा करता था और मेरी स्कूल का नाम था सेंट विक्टोरिया मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल, ये एक हिंदी मीडियम स्कूल थी। उसके बाद मेरी माँ ने मेरा दाखिला कराया एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जिसका नाम था सरस्वती विद्या मंदिर। मैं रोज ईमेल लिखता हूँ नाम एक्सचेंज करो पहले से तुम। और ये जो सरस्वती विद्या मंदिर थी ये कतई इंग्लिश मीडियम स्कूल, बहुत ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल, यहाँ पे तुम किसी और लैंग्वेज में बात भी नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। अगर तुम इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में बात करोगे तो हर एक लाइन जो तुम बोलोगे उसके लिए 20 रुपए का फाइन है। कैन यू बिलीव दैट, कितनी बड़ी आयरनी है यार ये। मतलब अंग्रेजों ने हम पे 200 साल राज किया, क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी, उसके बाद जाके इस देश को आजादी मिली है, और आज हम उनकी भाषा में बात नहीं करेंगे तो 20 रुपए का फाइन, ये कहां का इंसाफ है? तो ये बात जाके मैंने प्रिंसिपल को बोल दी, बहन जो उसने 80 रुपए का फाइन लगा दिया, उसने बगावत को एड्रेस भी नहीं किया। मैं रोज जाके बगावत कर रहा, मेरा फाइन बढ़ता जा रहा है, महीने के एंड में मैं फीस देने का फीस रहने तो बस तुम फाइन भर दो। मेरी फीस थी 750 रुपए, मेरा फाइन आया 19,000 रुपए। मैं अपने देश में 19,000 रुपए की हिंदी बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैम 19,000 तो नहीं है मेरे पास, जो करना है कर लो। उन्होंने कहा हाँ और भी तरीके हैं हमारे पास। मैंने कहा घंटा थे उनके पास। उन्होंने मेरी साइकिल रख ली यार, मेरी साइकिल गिरवी रख ली। उसके बाद जाके मैं अपने औकात पे, मैंने कहा मैम प्लीज मेरी साइकिल छोड़ दो। तो प्रिंसिपल बोली कॉल योर फादर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड योर साइकिल विल बी गिवन बैक टू यू। मुझे लौड़ा समझ में नहीं है क्या बोल रही है। बगल में बंदा खड़ा था, मैं कहा मैम क्या बोलिए। अगले दिन बाप को बुला के लाओ साइकिल छोड़ देंगी। थैंक यू नहीं 20 रुपए दे। तेरे चक्कर में हिंदी मैंने बोली अभी। अगले दिन बाप को बुला के लाया, मेरा बाप ऑफिस में गया, 5 मिनट में साइकिल लेके आ गया स्टड। पर फिर बाद में पता लगा मेरे बाप का स्कूटर रख लिया उन्होंने। मेरा बाप रोते रोते बाहर आ गया, अरे मेरा चेतक यार। फिर पूछ रहा आप घर कैसे जाएंगे। मैं कहा वाह आपका चेतक गया, आपको घर जाने की पड़ी, घर जाने के लिए तो साइकिल है हमारे पास। फिर हम साइकिल में, बहुत खराब राइड थी यार वो, साइकिल में घर गया, मैं साइकिल चला रहा हूँ ऐसे, और बाप वो डंडा होता है ना उसमें ऐसे बैठे। मैंने निक्कर पहन रखी थी, मेरा नंगा घुटना पापा की जांघों में टच हो रहा है, बहुत ही खराब फीलिंग थी। पापा लेकिन एंजॉय कर रहे थे, क्या बेटा बेटा आराम से, अरे आराम से। अरे हो गया, काफी रिश्ते खराब हुए हमारे उस दिन यार। लेकिन जिस दिन मेरी माँ को ये बात पता लगी तो उसने कहा नहीं मैं इसको अंग्रेजी सिखा के रहूंगी। उन्होंने ठान लिया था, उन्होंने एक तरकीब निकाली, उन्होंने कहा मैं अंग्रेजी फिल्में देखूंगी,
मैं खुद सीख जाऊंगी, इसको सिखा दूंगी। वाह मेरी फीमेल चाणक्य मम्मी, बहुत ही बढ़िया। और तुम्हारा ये प्लान है एटलीस्ट एक डिक्शनरी तो लेके बैठो। नहीं, जो उड़ते उड़ते शब्द उनके भेजे में घुसे उनका मतलब मेरी माँ ने एज्यूम कर लिया। ऐसा नहीं कि समाज से जाके पूछ लें इन शब्दों का मतलब क्या। नहीं, नहीं, मैंने एज्यूम किया, सही किया होगा। इस चक्कर में बहुत बेइज्जतियां हुई है मेरी यार, बहुत ज्यादा बेइज्जतियां हुई है। एक बार मेरी माँ प्रिंसिपल को जाके बोलती है, मैडम हमारा ये लड़का सारा दिन खेलता रहता है, ही इज ए प्ले बॉय। अब आप ही कुछ करिए ना इसके साथ। प्रिंसिपल करिए, अरे अब हम कहाँ हैं, बटन ही नहीं खुल रहा। अरे यार ये तो बहुत बेइज्जती, कुछ भी बोल देती थी यार वो, कुछ भी नहीं सोचती थी। एक बार भी, एक बार मेरा दोस्त है आयुष, मैं उसके घर नाइट आउट पे गया था, मेरी माँ अपने सहेली को ये बोल रही है, अरे वो तो आयुष के घर गया है, हाँ दोनों वन नाइट स्टैंड करेंगे आज। हाँ हाँ हम अलाउ करते, हम फ्रैंक हैं, आप भी अपनी बेटी को भेजा करो। हाँ अरे करवाओ, बहुत सही है आजकल, आप भी करो। हाँ हाँ अभी वो स्कूल का प्रोजेक्ट है, दोनों मेकआउट कर रहे हैं। हाँ हाँ अरे अरे कोई कोई दिक्कत नहीं है, देखो आयुष क्लास में फर्स्ट आता है, मोहित के रैंक का तो पता ही नहीं है। वी वांट मोहित ऑन टॉप ऑफ आयुष, ऑन टॉप। ये कम से कम ये मकड़ा तो मत बना मेरी माँ, ये कुछ कंफ्यूजन छोड़ दे उसके। ये क्या है, ये भाई कसम से यार, लेकिन दिस गाय आयुष ये बहुत कूल था यार। इसके दसवीं में इतने बढ़िया नंबर आए, इसके बाप ने इसे हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए बम्बई भेज दिया, यहाँ बम्बई। इसने ग्यारहवीं और बारहवीं यहाँ मुंबई से करी और मैं वहीं सड़ता रहा यार। इलेवंथ ट्वेल्थ के बाद जब मैंने बारहवीं कंप्लीट करी, मैंने आयुष को फोन किया, मैंने कहा आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि तू सीनियर है मुझसे, तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। तो उसने कहा तो मुंबई आ जा मेरे पास, हम यहीं डिसाइड कर लेंगे तेरे आगे करियर के बारे में। तो ये अच्छा प्लान था, लेकिन तुम देख चुके हो कि एक लैंग्वेज बैरियर तो है। अब मुंबई में जब मैं आऊँगा काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करने वाला हूँ लैंग्वेज बैरियर की वजह से। तो जब मैं मुंबई आने का प्लान कर रहा था, इसका बर्थडे भी था, इसके घर में थी हाउस पार्टी, जिसपे मुझे उसने इन्वाइट किया था, और मैं लाइफ की पहली मुंबई की हाउस पार्टी में गया था। मैं जैसे अंदर पहुंचा, आई रियलाइज कि मैं फिट तो नहीं हो रहा इन लोगों के साथ यार, ये कॉन्वेंट स्कूल की एक्चुअल तालीम लेकर आए हैं बच्चे, ये मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे यार। मैं बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, और जब भी तुम अंडर कॉन्फिडेंट फील करो, स्पेशली इफ यू आर अ मैन, मुंह में एक सिगरेट लगा लो, ऐसे बस लगा लो, पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस आता है उससे यार। अभी ट्राई किया तुमने? हाँ मेरे साथ तो काम करता ही है, उस दिन भी किया था, मैंने मुंह में सिगरेट लगाई, छोटी गोल्ड फ्लेक, हम ऐसे टेका लगा के ऐसे ऐसे खड़ा हो गया यहाँ पे। मैं कहा मैं कूल हूँ। एक लड़की आई मेरे पास, मैं कहा लड़की भी आ रही, देखो लड़की आके बोलती, एक्सक्यूज मी डू यू हैव एन एक्स्ट्रा सिगरेट? मैंने ये लास्ट ही मेरे पास, तो उसने कहा इट्स ओके। हराम जाती करम जली मेरे मुंह से सिगरेट लेके भाग गई। मैं कहा ये क्या हुआ अभी मेरे साथ यार? इतने में आयुष भागते भागते हमने गले लगा, मैं कहा यार वो मेरी सिगरेट ले गई। कहता दूर रही, उससे गोल्ड डिगर है वो। मैं कहा वो गोल्ड फ्लेक डिगर है, गोल्ड डिगर तो मम्मी है मेरी। ये क्या? उसने कहा एक काम कर तू ना यहाँ पे किसी से बात बात करना शुरू कर, सोशलाइज कर थोड़ा यार, थोड़ा खुल लोगों के सामने, मैं नीचे जा रहा हूँ खाना लेने के लिए, तब तक तू सोशलाइज कर। मैंने कहा ठीक है। अब मैं ग्रुप में जाके बात तो कर नहीं सकता था, क्योंकि सब ग्रुप में थे, एक लड़की अकेले बैठी हुई थी, उसके हाथ में ड्रिंक थी, वो ख्यालों में गुम थी अपने, उसके सपने बहुत बड़े थे, देख के लग रहा था कि जिंदगी में कुछ तो करेगी, और मैं तो नल्ला था ही। तो मैं कहा मैं जाके इससे बात करता हूँ, और बात करने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं। और उस जमाने में ना पिकअप लाइंस बहुत चलती थी, पिकअप लाइंस याद है आपको? पिकअप लाइंस याद है किसी को? ये पिकअप लाइन पता है क्या होता है? कह हाँ मैडम ओटीपी दे दो। नहीं वो नहीं, वो नहीं ऐसा नहीं, वो नहीं वो नहीं वो नहीं, वो पिकअप लाइंस अलग होती हैं यार। आई फॉरगॉट माय नंबर, कैन आई हैव योर्स, रिमेंबर दोस्त? हाँ आर यू शैम्पू, क्योंकि आपको देख के मुंह से झाग निकल रहा है ना, वो होती थी उस टाइम पे। इज योर फादर अ टेररिस्ट बिकॉज यू लुक लाइक अ बॉम्ब? ये बहुत रिमेंबर दोस्त, राइट यार, ये वाली बहुत चल रही थी उस टाइम। तो मैंने कहा मैं जाते ही पिकअप लाइन बोलूंगा, एक आइस ब्रेकर हो जाएगा। तो मैं लड़की के पास गया, मैं कहा एक्सक्यूज मी, उसने कहा यस, इज योर फादर अ टेररिस्ट? माय फादर इज डेड।
सुसाइड बॉम्बर। मैं जा रहा हूँ, इट्स ओके, इट्स ओके, आई अप्रिशिएट द एफर्ट, वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। मैं अच्छा क्या बात करें। और यार हम इंडियंस को जब पता लगता है ना कोई गुजर गया, तो हमारे अंदर सिंपथी नहीं आती, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है। हम पूछ रहे कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ है। तो मैं पूछने लगा, मैं कहा अच्छा कैसे अंकल के साथ कब हुआ। उसने कहा हो गए 5 साल हो गए। मैं कहा कैसे हुआ, रोड एक्सीडेंट। अच्छा गाड़ी कौन सी थी। BMW। मैं वो भैंसो बहुत खर्चा हो गया। मैं तो बाप मरा है उसका, BMW में बहुत खर्चा, मैंने माथे में हाथ आ रखा है। BMW चला रहा है, मेरे बाप पे तो स्कूटर है, वो भी गिरवी रखा है, स्कूल में पढ़ा है तक। मैं अच्छा अच्छा तुम्हारी मॉम को तो अकेले से मैनेज करने में काफी दिक्कत हुई होगी। नो डोंट वरी अबाउट माय मदर, शी इज अ बैड एस। मैं कहा क्या, शी इज अ बैड एस। अब बैड एस का मतलब मुझे पता नहीं था, मुझे लगा इसकी मम्मी को पाइल्स हो रखी है। मैंने इलाज बताने शुरू किया, मैं आंटी को बोल खोपरे का तेल लगाया थे नीचे ना, हाँ एक गुटली निकल गई अंधी को अंदर डालने को बोलो, इस सब गोल रात को खा के सोए बड़ा एकदम पेट साफ हो जाएगा। देखो इलाज इसको होम्योपैथी में ही है, चाहे तुम मानो या नहीं, होम्योपैथी। उसने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। मतलब तुम्हारी मम्मी को पाइल्स है ना। उसने कहा व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू, व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू। इतने में आयुष भागता भागता आया, वो कहती जस्ट टेक हिम अवे, ही इज अ पेन इन द एस। मैं कहा आई एम पेन इन द एस, योर मदर हैज पेन इन द एस, आई एम नॉट पेन इन द एस। कहती फक यू। मुंबई के लड़के का फक यू बहुत सही से, वो फक यू ऐसे पूरे एक्सप्रेशन चेंज करके, मुझे नहीं आता फक यू बोलना। मैंने एक बार एक लड़के को बोला मैं भाई फक यू, ये रिवर्स फक यू हो गया था मेरा, ये रिवर्स फक यू। उसको सच में लगा मैं टीका लगा रहा हूं, उसने ऐसे कर लिया। तो भाई भाई चावल चावल लाए, चावल चावल तो होगा। कसम से यार, और आयुष खाना लेकर आया था, उसने खाना बांटना शुरू किया। तुम क्या ऑर्डर करते हो यार, तुम लोग पागल हो क्या। एक लड़की ने ऑर्डर किया था वीगन बटर चिकन। ये क्या है वीगन बटर चिकन, क्या होता है। मैं मुझे टेस्ट करना है। उसने कहा नो आई डोंट शेयर फूड, मैं मारूंगा, देखो मैं टेस्ट करूंगा। मैंने टेस्ट किया, कटहल की सब्जी थी वो। मैं कुछ तो गलत चल रहा है शहर के साथ यार, 570 रुपए की कटहल की सब्जी मंगाई है, 500 में कटहल का खेत मिल जाता हो ये। बिल्कुल यार मैं एकदम अनकंफर्टेबल फील कर ही रहा था वहां पे। फिर एक किसी ने प्लान बनाया कि ट्रुथ एंड डेयर खेलते हैं। क्यों 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 सच जानना है और क्यों किसी को नंगा ना चुबाना है, क्यों क्यों। सब जमीन पे बैठ गए, कांच की बॉटल लेके घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे सच निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे डेयर हो रहे हैं। जब बॉटल मेरे पास आई मेरी तो फट गई। मैं कहा डेयर नंगा तो नहीं नाचूंगा। ट्रुथ ट्रुथ ट्रुथ। उसने कहा ओके सो टेल अस अबाउट योर फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर। क्या, टेल अस अबाउट योर फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर। मैं कहा मुझे नहीं पता ये क्या होता है, सेक्सुअल एनकाउंटर होता क्या है। मुझे लगा मुंबई में सेक्स करोगे, मुंबई पुलिस एनकाउंटर कर देगी। क्या मुझे नहीं, मैं कहा नहीं, मैं कहा थोड़ा ढंग से समझाओगे। उसने कहा व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू हैड सेक्स। मैं कहा वाज नहीं विल आएगा यहां। मतलब कौन ही करता है शादी से पहले, मतलब। उसने कहा नहीं सबने कर रखा है यहाँ पे, तुमने भी कुछ तो हुआ होगा, कोई फ्लिंग हुआ हो, कोई हुकअप हुआ हो, कभी कोई वन नाइट स्टैंड किया हो। मैं कहा हाँ वन नाइट स्टैंड मैंने कर रखा है, वन नाइट स्टैंड मैंने कर रखा है। किसके साथ किया। मैं कहा आयुष के साथ। आयुष के साथ। मैं कहा हाँ रात रात को मेकअप करते थे। आयुष क्लास में फोर्स आता था, मेरी रैंक का कुछ पता नहीं था। आई वॉन्टेड टू बी ऑन टॉप ऑफ आयुष।